कैमूर के दिलखिरी चेक पोस्ट पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार शिवपुर के दो लोगों को बालू लदी ओवरलोडेड ट्रक ने टक्कर मारी है और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें एक ही परिवार के एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। आपको बता दें कि दोनों मृतक भभुआ प्रखंड के शिवपुर के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं। घटनास्थल पर भभुआ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि गुरु प्रताप सिंह पहुंचे। गुरु प्रताप सिंह ने कहा कि डीटीओ कैमूर की अवैध बालू वसूली के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। घटना की जगह लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। इस घटना को सुनते ही लोगों में गुस्सा आ गया और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कैमूर से प्रिंस सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं R9 भारत। अभी मैं मौजूद हूँ मोहनिया चेक पोस्ट पे, जो नेशनल हाईवे है, और यहाँ पे दो लोगों की मृत्यु हो गई है और मृत्यु का कारण है एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट कैसे हुई है यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आए दिन जो प्रशासन की लापरवाही है, कैमूर DTO की लापरवाही है, आए दिन ट्रकों से पैसा फूली की जाती है, लेकिन कभी भी जनता के लिए कहीं भी समय नहीं दी जाती है। और आए दिन ट्रक के चलते एक्सीडेंट की घटना सामने आती है, और अभी एक्सीडेंट हो गई है जो मोहनिया भभुआ प्रखंड के शिवपुर के जो दो लोग हैं, और मेरे साथ मौजूद है प्रखंड भभुआ प्रमुख प्रतिनिधि गुरु सिंह। इनसे जानना चाहेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है और कहाँ के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? हमारे गाँव के लोग हैं, हमारे गाँव के एक लड़के है, एक लड़का है। आखिर ये एक्सीडेंट आए दिन होता है, इसमें किसकी लापरवाही माना जाए? इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ चेक पोस्ट, जो पैसा देगा वो सीधा जाएगा, जो नहीं देगा वो लाइन से जाएगा। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं है। इस पे कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दो, जैसे कि एक आगे कमर्शियल चेक पोस्ट है और यहाँ पे एक टोल प्लाजा है, और दोनों पे यही देखा जाता है कि टोल प्लाजा पे जो पैसा देगा वो सीधे जाएगा, जो नहीं देगा उधर से जाएगा। और कमर्शियल जो चेक पोस्ट है वहाँ पर भी ट्रकों से पैसा फूली की जाती है और वहाँ पे ट्रकों के चलते जाम लग जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत विडम्बना की बात है कि दोनों जगह, बात देखिएगा, दोनों जगह प्रशासन इन्वॉल्व है, दोनों जगह प्रशासन है, दोनों जगह, यहाँ भी प्रशासन और वहाँ भी प्रशासन, टूल पे भी, और दोनों जगह एक्सीडेंट हो रहा है तो किसी को बताया जाए, किसकी ड्यूटी लगाई जाए? पब्लिक रहेगी, यहाँ भी पुलिस है, वहाँ भी पुलिस है। यहाँ बैरिकेटिंग लगी है कि जो गाड़ी यहाँ जाएगी, जो मालवाहक हो, जो टैक्सेबल, जो नॉन टैक्सेबल है, वही गाड़ियाँ इधर से जाएंगी। इधर से मान के चलिए बस जा सकती है, कार जा सकती है, उनके लिए ही बनाया गया है। और जिस ट्रक से दुर्घटना हुई है उस पर कोयला लदा है या बालू लदा है उससे हुई है, उसके लिए तो लाइन वो बनी हुई है, और यहाँ प्रशासन उसके बाद चला गया तो हम लोग उसमें क्या बता सकते हैं। यहाँ पर जैसे का जो प्रमुख प्रतिनिधि थे ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रक थी बालू या कोयला लदी है, हो सकता है कि ओवरलोडेड ट्रक हो, जल्दी में जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रक मार दिया हो धक्का। और जो दो लोग एक्सीडेंट में डेथ किए हैं उनके परिजन हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं और कैसे ये डेथ हुई है। सर, जा रहे थे दुर्गावती जी, गाँव से शिवपुर से आ रहे थे, दुर्गावती जा रहे थे, उसी में कितने लोग थे? तीन थे, और एक ही बाइक पे तीन लोग बैठे हुए थे। क्या क्या नाम था उन लोगों का? बड़े का नाम था शुभम कुमार, पिछले का नाम था सोनाली, लेडीज लड़की थी? लड़की थी, अति सरदार का नाम समझ। इसमें कितने लोग मतलब कि डेथ कर गए हैं? दो लोग और एक लोग घायल है। तो आप देख सकते हैं कि कैमूर प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। आए दिन यहाँ कमर्शियल चेक पोस्ट पे ओवरलोडेड ट्रकों के चलते यहाँ के जो मतलब कि आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कैमूर प्रशासन, कैमूर DTO, जब से ये कैमूर DTO आए हुए हैं तब से यहाँ ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही एकदम सुचारू रूप से चालू हो गई है। कहे तो ओवरलोड जो ट्रक है उसे अफुली का कार्य दिन रात होती रहती है, जिसका वीडियो भी कई बार वायरल हुआ, न्यूज में चला भी, लेकिन हर कोई नहीं DTO पर आपका पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो जाम लगाए हुए हैं, और दो लोगों की जो शिवपुर के बताए जाते हैं और दुर्गावती जा रहे थे अपने गांव से, उनकी डेथ हो गई है और यहाँ पे पूरी जाम लगी हुई है। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जो दो लोगों की डेथ हुई है आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? अरे जो वाजिब मत पूछिए, बोलने के हालत में नहीं है वो। आप आइए, इनके पास कोई है?
मुआवजा है वो मिले, और पहली बात ये घटना रोज होती है, लेकिन ये है कि लोग उचित मुआवजा उठी चले जाते हैं। यहाँ पे आए दिन पुलिस वाले पैसा लेते हैं, इस रोड से छोड़ते हैं, ये लोकल के चलते हम लोग जुट गए, नहीं तो प्रशासन ट्रैक्टर पे लाश ला कर ले जा रहा थी थाने, पता भी नहीं चलता कि लाश कहाँ है। आज हम लोग लोकल के होने चलते आ गए, अब ये मुआवजा है कि पहले अधिकारी हैं और यहाँ से एक नियम बनाए कि यहाँ पे ओवरलोड ट्रक सीधे रूट में ना जाए, पहली ये है, और दूसरा जो सरकार का मुआवजा होता है वो मुआवजा अवेलेबल हो जाए। तो आप देख रहे थे जो लोग डेथ किए उनके परिजन थे काफी आक्रोशित हैं, और ये लोग जाम, ये प्रशासन अधिकारी जो आला अधिकारी है उनकी यहाँ पे आने का मांग कर रहे हैं। आप देख रहे थे R9 भारत।